हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो हमारी पांगी सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। जैसा कि आप हमारी इस वीडियो सीरीज़ के पहले पार्ट्स में देख चुके होंगे कि हम HRTC बसेस से पहले पठानकोट से चंबा और फिर चंबा से यहाँ किलाड़ पहुँचे थे। आज हम आपको किलाड़ की सैर करवाएंगे और आपको यहाँ के एक गांव हुड़ान भटोरी भी लेकर चलेंगे। आज वहाँ पर मेला भी है तो हुड़ान जाना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये थर्ड पार्ट। किलाड़ पांगी घाटी का हेडक्वार्टर है और मेन टाउन भी। मैं कल HRTC बस से शाम को यहाँ किलाड़ पहुँचा था और यहाँ मुझे सामने ही चंद्रभागा होमस्टे दिखा, तो मैं वहाँ पर रुक गया। थोड़ा फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि बाहर घूम आते हैं। ये किलाड़ का माल रोड है और ये यहाँ की मेन मार्केट भी है। वैसे किलाड़ की पुरानी मार्केट थोड़ा आगे जाकर है। यहाँ सबसे पहले मैं हिमाचल प्रदेश वन विभाग के ऑफिस के पास एक मंदिर में आया। ये ट्रेडिशनल स्टाइल में काफ़ी अच्छा बनाया हुआ मंदिर है और इसमें मैक्सिमम काम लकड़ी का ही हुआ है। ये शिवजी का मंदिर है और फिलहाल अभी बंद है। इस मंदिर के बारे में एक दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति है वो पहले लाहौल घाटी के गोंधला में हुआ करती थी और फिर वहाँ पर इसके लिए इंसान की बलि भी दी जाती थी। फिर इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए किसी ने इस मूर्ति को वहां चंद्र नदी में बहा दिया और ये चंद्रभागा नदी से बहती हुई यहां तक आ पहुंची। फिर जिसको यहां ये मूर्ति मिली उसने इसे यहां पर स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि इस मूर्ति को जब नदी से यहां तक उठाकर लाया गया उस समय मूर्ति का मुँह पीछे की तरफ था और आज भी इस मंदिर में जो मूर्ति है उसका फेस पीछे की तरफ ही स्थापित है। अब मैं पहुंच गया हूं ओल्ड किलाड़। किलाड़ बस स्टैंड से ये आधा एक किलोमीटर दूर है और यहां पर भी एक छोटी सी मार्केट है और यहां पर रोड थोड़ा तंग ही है। पुराना किलाड़ में कुछ शॉप्स पुराने स्टाइल की भी हैं, यानी लकड़ी से बनी हुई। पहले के ज़माने में यहाँ पर सब घर और शॉप्स वगैरह लकड़ी की ही होती थी, लेकिन अब नए बिल्डिंग्स में कंक्रीट का इस्तेमाल भी होने लगा है। यहाँ पर ये एक छोटा सा स्टेडियम जैसा भी बना हुआ है और बच्चों का क्रिकेट मैच भी चल रहा है। किलाड़ में वैसे ही खुली जगह की कमी है और जो ले देकर ये एक ग्राउंड है उस पर भी ये मटेरियल रखा हुआ है। प्रशासन को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। अंत में ये सिविल हॉस्पिटल किलाड़ आता है और यहाँ आकर रोड भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मैं वापस अपने होमस्टे आ गया और डिनर करके सो गया। अगले दिन मैं सुबह आराम से 8 बजे तक उठा और यहीं पर मुझे होटल वाले अंकल जी ने बताया कि आज हुड़ान गांव में एक मेला है तो आप वहां ज़रूर जाकर आना। मैं तो ऐसे ही किसी लोकल इवेंट की तलाश में था। तो मैं पहुंच गया किलाड़ बस स्टैंड। यहाँ से हुड़ान के लिए रेगुलर रूट की बस तो जाती ही है, लेकिन उसके अलावा आज मेले की वजह से स्पेशल बसेस भी जा रही हैं।
इसके अलावा कई टैक्सीज भी हुडान के लिए जा रही हैं और ये किलाड़ से चंबा जाने वाली बस भी यहाँ से निकल रही है। तो मुझे हुडान के लिए बस मिल गई। किलाड़ से ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़कर हुडान के लिए रास्ता जाता है और हमारी बस किलाड़ से लगातार ऊपर चढ़ रही है। नीचे ये किलाड़ टाउन का बढ़िया व्यू दिखाई दे रहा है और यहाँ अब कच्चा रोड शुरू हो गया है। ये सामने नीचे की तरफ किलाड़ का हेलीपैड है और सच कहूँ तो यहाँ बस में ही आपको हेलीकॉप्टर वाला फील आ जाएगा। बस थोड़े हिचकोले लगते हैं तब आपको याद आएगा कि आप बस में हैं। यहाँ इस तरफ ये लोगों के खेत भी हैं और ये हरी भरी सी घाटी बहुत सुंदर लग रही है। और इसके बाद इस तंग सी घाटी से होते हुए हम आगे हुडान की ओर बढ़ गए। आज मेले की वजह से इस तरफ काफ़ी लोग जा रहे हैं और बस के पीछे जो ये बाइक वाले चल रहे हैं ये तो पूरे धूल से भर गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं अब। आज यहाँ पर अच्छी धूप भी खिली हुई है और धूप में तो ये घाटी एकदम चमक रही है। हुडान अभी काफ़ी ऊपर जाकर है तो वहाँ के व्यूज़ तो और सुंदर होंगे। हालांकि सड़क पर धूल काफ़ी है और पांगी की सभी सड़कें ऐसी ही हैं। इन दूरदराज के गांव के लिए अब सड़कें बन गई हैं और बस सर्विसेज भी है, तो उम्मीद है कि जल्दी इन सड़कों का भी सुधार हो जाएगा। और ऊपर आने पर ये एक खतरनाक सा स्ट्रेच है और ये इस किलाड़ हुडान रोड का सबसे खराब पॉइंट भी है, लेकिन HRTC है तो डर किस बात का। मैं तो यहाँ बस यही देख रहा हूँ कि क्या ये सड़कें बसें चलाने के लायक हैं, लेकिन इस टफ टेरेन में भी किंतु परंतु करने लगे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसके बाद अब कुछ घर दिखाई देने लगे हैं। और यहाँ पर ये हरे भरे से खेत भी हैं और मैक्सिमम खेतों में यहाँ मटर उगाया हुआ है। पांगी घाटी में मटर की पैदावार बहुत होती है। इस हरे भरे से लैंडस्केप में से बनी ये कच्ची सड़क से होते हुए मैं फाइनली पहुंच गया हुडान भटोरी।
ये सब लोग मेला देखने यहाँ आए हैं और काफी खुश लग रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं उड़ान भटोरी और यहाँ धूप काफी तेज है, पर सामने बर्फ देखकर ही ठंडक सी महसूस हो रही है। सब लोग बस से उतरकर अब मेले की ओर जा रहे हैं। एचआरटीसी की और बसेस भी यहाँ मेले के लिए स्पेशल लगाई हुई हैं। उड़ान गांव यहाँ ऊपर की ओर है। मैं तो यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन बस में मेरे साथ आए इन लड़कों से थोड़ी पहचान हो गई है, तो मैं इन्हीं के पीछे पीछे मेले की तरफ चल पड़ा। करीब 10-15 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए मेले में। मुझे यहां पहुंचने से पहले बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये किस तरह का मेला होगा। बस मेला सुना और मैं यहां पहुंच गया, और ये जगह देखकर मैं तो वैसे ही प्रसन्न हो गया। वाह, मेला हो तो ऐसा। यहाँ कोई भी इवेंट हो, वो देवता को शामिल किए बिना पूरा नहीं होता। ये मेला भी यहाँ के देवता को ही समर्पित है, और इस शांत सी वादी में ये पारंपरिक वाद्य यंत्र गूंज रहे हैं। यहाँ पर ये एक छोटा सा तालाब भी है और लोग इसमें नहा रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने की कुछ शॉप्स भी हैं। सामने उस तरफ ये लोगों के कुछ घर भी हैं। ये सब टेम्परेरी ही हैं, मतलब आजकल के मौसम में लोग अपने पशुओं को लेकर यहाँ रहने आ जाते हैं, और सर्दियों में जब बर्फ़ गिर जाती है तब ये यहाँ से नीचे अपने परमानेंट घरों की ओर चले जाते हैं। यहाँ इस मेले की सबसे खास बात है कि आपको कोई भी परेशान करने वाला शोर सुनाई नहीं देगा, ना कोई लाउडस्पीकर और ना ही कोई डीजे वगैरह। बस यहाँ पर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं और लोग खुद से गा रहे हैं और बहुत खुश हैं। यहाँ कई तरह के फूल भी खिले हुए हैं जो कि इस घाटी को और खूबसूरत बना रहे हैं। आने वाले हफ्तों में ये घाटी और भी हरी भरी सी हो जाएगी। यहाँ सबसे पहले देवता की पूजा की गई और फिर देवता को समर्पित नाटी यानी यहाँ का पारंपरिक नृत्य पेश किया गया। ये नृत्य लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही करते हैं और ये सब करीब आधे से एक घंटे तक चला। बारिश के बाद जो है वो 100% आपको लगता है।
फिर इसके बाद यहाँ मेले में आए सभी लोग डांस करने लग गए। यहाँ ऊपर से देखो तो ये झील पैर के निशान या फुटप्रिंट जैसी दिखती है। शाम हो गई थी, मैं अपने साथियों को ढूंढ रहा था जो मेरे साथ बस में आए थे, और वो यहाँ इस तरफ कोने में बैठे थे और ये पात्र लेकर बैठे थे। पात्र यहाँ की लोकल शराब है और इनके साथ बैठकर मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट कर ली। ज़्यादा कुछ असर तो नहीं हुआ मगर एक्सपीरियंस अच्छा था। ये लोग तो दोपहर से यहीं बैठे हैं और खूब मस्ती वाले मूड में हैं। शाम को मेला ख़त्म हो गया और ये सब यहाँ गांव के लोग हैं जो इस मेले के ऑर्गेनाइज़र भी हैं, तो ये सब सबसे अंत में जाएंगे। लोग अब धीरे धीरे यहाँ से वापस जा रहे हैं। मेरे साथ जो लड़के थे वो तो अभी अपने मज़े में मशगूल हैं, लेकिन मैं अब यहाँ से वापस चल पड़ा। रास्ते में ये मस्त खिले फूल और ये सुंदर सी घाटी देखकर जाने का मन तो नहीं कर रहा, मगर अंधेरा होने को है और मैं रात होने से पहले वापस किलाड़ पहुंच जाना चाहता हूँ। तो हुड़ान से अब विदा लेते हैं। यहाँ शाम को एक HRTC बस आती है और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यहाँ किसी ने बताया कि आज मेले से जो इतनी गाड़ियाँ वापस जा रही हैं तो उस तरफ से आती बस को पास लेने में बहुत दिक्कत आएगी, तो बस हो सकता है कि काफ़ी लेट हो जाए। और लोग तो यहाँ टैक्सी की छतों पर मज़े से जा रहे हैं। काफ़ी लोग पैदल ही यहाँ खेतों में से बनी पगडंडियों से होते हुए वापस जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हीं के साथ धीरे धीरे निकल जाता हूँ, फिर जो बस आई तो दिख ही जाएगी। यहाँ मटर की भरपूर फसल लगी हुई है और ये देखकर ही लग रहा है कि इतने साफ सुथरे वातावरण में ये अच्छी क्वालिटी का मटर होता होगा। मैं अभी थोड़ा ही आगे गया था कि सामने से बस आती दिखाई पड़ गई। ये बस अभी ऊपर हुड़ान भटोरी गांव तक जाएगी और फिर वहां से वापस आएगी। मैं शॉर्टकट से यहां नीचे वाली सड़क पर पहुंच गया हूं और यहीं पर बस का वेट करता हूं। और आप देखो कि बस कैसे कैसे रास्तों से होकर ऊपर गई है।
यहाँ ढांग के बीचों बीच एक मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ से पैदल जाने में भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है और आराम से आधे घंटे में किलाड़ पहुँच सकते हैं और यहाँ किसी से लिफ्ट लेकर भी जा सकते हैं, मगर मैंने सोचा कि अगर बस आ ही रही है तो उसी में जाऊँगा। मैं यहाँ बस का वेट कर रहा था कि मुझे यहाँ के पूर्व BDC मेंबर प्रेम सिंह मियाँ जी मिल गए। ये राजा साहब की देन है, सब कुछ रोड़े कहना पहाड़। अच्छा, राजा साहब भी ना पुराना ही चला, उसी में चला हुआ है। अब अच्छा, उनकी चल वो चल गए स्वर्गवास। ये वीरभद्र जी की बात कर रहे हैं, पुराने ही है उनके टाइम के। हाँ जी, उसके बाद तो तीन बार प्यार लाए हुए। हाँ जी, जे एंड के से भाई कहना बसाज पास से भाई लाहौल से। हाँ जी, हाँ तीन बार प्यार लाए। तो मियाँ जी याद कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी को कि उन्हीं की बदौलत हमारे इस जनजातीय क्षेत्र में सड़कें निकली और बसें चली। एरिया का प्रतिनिधि होने के नाते वो काफ़ी नई चीज़ों के बारे में भी सरकार से मांग करते रहते हैं और इसके लिए उन्होंने एक डिमांड लेटर भी लिख रखा है। और 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मेरी बस आ गई और इस संकरे से रास्ते से बस तेज़ दौड़ती हुई आ रही है। अब बस को किलाड़ तक उतराई में ही जाना है और इस कच्ची सड़क पर हमारी बस सरपट दौड़ रही है। और अब अंधेरा भी लगभग हो ही गया है। सड़क खाली हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, मगर आगे से गाड़ी आ जाए तो उसे पास देने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कंडक्टर ने बताया कि उड़ान जाती बार हमें हर दूसरे मोड़ पर कोई ना कोई गाड़ी मिल जा रही थी, इसीलिए आज हम काफ़ी लेट हो गए हैं। किलाड़ से थोड़ा पहले ये पक्का रोड आ जाता है। पक्के रोड पर आकर तो ऐसा लगा कि मानो कितने ही सुकून में आ गए हों। यहाँ ये पक्का रोड भी इसीलिए है क्योंकि ये रोड हेलीपैड के लिए जाता है, वरना आम लोगों के लिए रोड तो अभी कच्चे ही हैं। तो मैं 8 बजे पहुँच गया किलाड़ और अपने रूम में जाकर डिनर किया और फिर सो गया। दोस्तों, इस थर्ड पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल यानी इस सीरीज़ के फोर्थ पार्ट में हम आपको लेकर चलेंगे सुराल भटोरी, जो कि जम्मू कश्मीर सीमा के साथ सटी हिमाचल प्रदेश की इस तरफ आखिरी घाटी है। हुड़ान की तरह सुराल भी बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पहुँचकर लगता है मानो कुदरत ने अपनी सारी खूबसूरती यहीं बिखेर दी हो। तो सुराल की सुंदरता का दीदार करवाएंगे हम फोर्थ पार्ट में। आपको हमारी ये पांगी सीरीज़ कैसी लग रही है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताते रहें। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।